हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। बरसात के मौसम में कौन कौन सी कटिंग लगानी चाहिए वही सब मैं आपसे शेयर करूँगी। ये टिकोमा बेल है, इसको आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं, बहुत आसानी से लग जाती है। ये मैं एक महीना पहले लगाई थी, तो मैं आपको इसकी रूट्स दिखाती हूँ। सैंड में लगाई हुई है, देखिए। आप ऊपर की टिप लीजिए, इतनी छोटी नहीं, इतनी छोटी भी आप टिप लेंगे ऊपर की, और ऐसे मिट्टी में लगा दीजिए, लग जाएगी। देखिए इसमें रूट्स है पहले से ही, देखिए हर नोड एरिया में रूट्स बनी हुई है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए, देख रहे कितनी अच्छी रूट्स आई हुई है। देखिए अभी आप कोई भी कटिंग लगाइए, लग जाएंगे। इसके बाद आप गुलदाउदी की कटिंग लगा सकते हैं। ये गुलदाउदी, इतनी छोटी टिप लेंगे ऊपर की, और इसकी पत्तियां यहाँ से आप हटा दीजिए, और आप मिट्टी में या फिर सैंड में लगाइए। आपको 15 दिन में ही इसमें रूट्स आ जाएंगे, फिर आप लगा सकते हैं। इसमें विंटर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। ये मैं कटिंग से लगाई थी, और फिर उसके बाद देखिए बेबी प्लांट बहुत सारे लगे हुए हैं। बेबी प्लांट यहाँ साइड से आए हैं, ये देखिए बेबी प्लांट है। मेरे पास जगह होती तो मैं इसको अलग पॉट में शिफ्ट कर देती, पर मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसमें ही छोड़ दूँगी। और आप भी कैलेंचो की कटिंग लगा सकते हैं, देसी वाली, या फिर आपके पास हाइब्रिड है तो वो भी लगा सकते हैं। इतनी छोटी सी कटिंग आप लेंगे ना, ऐसे यहाँ से थोड़ी सी लीजिए, ये देखिए आप इस तरह से मिट्टी में लगा दे, इसकी भी कटिंग ऐसे लग जाएगी, बहुत आसानी से लग जाती है। आपको कहीं से भी मिलती है ये सब की कटिंग, तो आप लगा सकते हैं। इसकी पत्तियाँ से भी ग्रो होते हैं। और आप भी अलमांडा की कटिंग लगा सकते हैं, इसकी भी छोटी टिप लीजिए ऊपर वाली, इतनी बड़ी, देखिए यहाँ से ऊपर की टिप लेंगे आप, लगा दीजिए। यहाँ पर नोड एरिया रहनी चाहिए, एक दो नोड एरिया मिट्टी के अंदर रहनी चाहिए, यहीं से रूट्स डेवलप होते हैं। यहाँ से देखिए मैं भी ये कटिंग से लगाई हूँ, और आप ये टिकोमा है, ये भी आप लगा सकते हैं। अभी इसकी इतनी पतली कटिंग नहीं लगती है, और थोड़ी सी मोटी हो जाने के बाद आप ऊपर की टिप लीजिए और इसकी भी पत्तियाँ निकाल कर लगा दीजिए। सैंड में बहुत अच्छी रिजल्ट आती है। और आप अभी पेंटास की भी कटिंग लगा सकते हैं, ये देखिए ये है पेंटास पिंक कलर के। ये हो गए 1 महीने, मैं इसकी आपको रूट्स दिखाती हूँ। ये देखिए, देख रहे फ्रेंड्स कितनी अच्छी रूट्स आई हुई है। देखिए ये देखिए, पर मैं इसको पॉट में नहीं लगाऊंगी, इस पर ही रहने दूंगी, मेरे पास जगह नहीं है। फ्रेंड्स, शौक़ तो हर किसी को होती है पेड़ पौधे लगाने की, पर जिसके पास जगह कम है वो एक ही पॉट में बहुत सारे पौधे लगाते हैं। तो मैं भी एक ही पॉट में बहुत सारी पौधे लगाई हूँ। ये भी सारी गुलदाउदियाँ है, देखिए ये सभी कटिंग से लगी हुई है, तो मैं इसमें ही छोड़ दी। आप इसे भी लगा सकते हो, अभी भी कटिंग से लगा लो। और पेंटास की भी कटिंग आप अभी लगा लीजिए, विंटर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। फिर आप हिबिस्कस की कटिंग लगा सकते हैं, देखिए इतनी छोटी टिप लीजिए ऊपर की, और इसको सैंड में या फिर मिट्टी में लगा दीजिए, लग जाएगी। ये देसी वाली है। और आप हाइब्रिड हिबिस्कस की भी लगा सकते हैं, ऊपर की टिप लेनी है आपको, ये देखिए इतनी छोटी लेंगे आप, 5-6 इंच की आप लगा दीजिए, लग जाएंगे। और आप देसी गुलाब की भी लगा सकते हैं, देसी गुलाब की कटिंग। ये मेरी देसी नहीं है, ग्राफ्टिंग वाला है, नर्सरी से लाई थी, तो मैं आपको बता रही हूँ। और
आप कोलियस की कटिंग लगा सकते हैं। मान लीजिए आपके गार्डन में बहुत कम धूप आते हैं, आधे घंटे की या 15 मिनट की आती है धूप, तो आप कोलियस लगाइए, बहुत ही प्यारे लगेंगे। इनकी पत्तियाँ होती है बहुत खूबसूरत होती है, देखिए बहुत सारे कलर के आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, नर्सरी से आप ला के लगा सकते हैं। आधे घंटे की भी धूप लगने से इसमें इसके पत्तियाँ कलरफुल रहते हैं, बहुत सारी वैरायटी होती है इनकी कोलियस की, आप इसी भी कटिंग से लगा सकते हैं। देखिए ये मैं आपको दिखा रही थी तो टूट गई, तो कोई बात नहीं, मैं इसे भी लगा दूँगी। नोड एरिया 1 2, 1 और 2 यहाँ नोड एरिया है, पूरा अंदर तक मैं इसे दबा कर लगा दूँगी, लग जाएगी, देखिए बहुत आसानी से लग जाएंगे अभी बारिश के मौसम में। देखिए इस तरह से आप लगा दीजिए और इसे दबा दीजिए। सैंड में बहुत ही जल्दी रूट्स डेवलप होते हैं, सैंड में लगाइए आपको 100% रिजल्ट मिलेगी, देखिए कितने प्यारे। और अभी आप एक जोड़ा की कटिंग लगा सकते हैं, देखिए ये भी आप ऊपर की टिप लीजिए, इतनी छोटी इतनी छोटी टिप लेंगे आप ऊपर की। फ्रेंड्स नहीं हो रही है अभी, मैं कुछ कटर उटर लाई नहीं हूँ, तो इसको आप कटर से कट कर कर लीजिए। फ्रेंड्स देखिए मैं कटर लाई और इसको यहाँ से कट करी, कट करने के बाद आप इसकी पत्तियाँ इस तरह से ऐसे निकालें, और निकालने के बाद आप दूसरे पॉट में या फिर सैंड में इस तरह से लगा दें। रूटिंग हार्मोन है आपके पास तो वो लगा सकते हैं, या फिर एलोवेरा होती है ना उसकी जो जेल निकलते हैं वो भी आप लगा सकते हैं। देखिए लगा दी, इस तरह से आप लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये भी मैंने पेंटास की कटिंग यहाँ पे लगाई है, देखिए लग चुकी है, ये देखिए कलियाँ भी बनने लगी है। और आप अभी बोगनविलिया की कटिंग लगा सकते हैं, बोगनविलिया की ऊपर की टिप लीजिए, या फिर आप इतनी मोटी लीजिए, या फिर इतनी भी मोटी लेंगे तो भी बहुत आसानी से लग जाती है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए फ्रेंड्स ये मैंने ली है, देखिए इसको यहाँ से मैंने कट कर दी, और इसकी जो ये है ना ये वाली, देखिए इतनी छोटी है ना, इसको मैं इस तरह से ऐसे लगा दूँगी, ये भी ग्रो हो जाएंगे। और आप अभी मनी प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं, देखिए इसके हर टिप पे या फिर हर पत्तियों के पास देखिए रूट्स बनी हुई है, आप इस तरह से लगाए लग जाएंगे। देखिए मैंने मनी प्लांट लगाए हैं, देखिए कितनी छोटी डिब्बी में लगाई हूँ, देखिए देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप अभी मनी प्लांट की भी कटिंग लगा सकते हो, देखिए फ्रेंड्स और आप अभी अपराजिता की भी कटिंग लगा सकते हैं, या फिर आपके पास इसकी फलियां बनती है इसकी सीड्स है तो आप अभी लगा सकते हैं, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। देखिए अगर आपको कटिंग लगानी है तो इतनी मोटी स्टेम लेनी पड़ेगी, इतनी मोटी कटिंग लेंगे आप, यहाँ से नोड एरिया होनी चाहिए, 5-6 इंच की कटिंग आप ले लीजिए और इसे भी लगा दीजिए। फ्रेंड्स अगर कटिंग लगाने के बाद आपको हिलाना नहीं है, एकदम नहीं हिलाना है, हिलाने से कटिंग हमारी ख़राब हो जाती है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, बाय फ्रेंड्स।